पाकिस्तान में लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की दुश्मनी के चर्चे। किसी के लिए लॉरेंस बिश्नोई है भगवान, तो किसी के लिए सलमान खान है जान। लॉरेंस और सलमान पर क्या कहती है पाकिस्तान की आवाम। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की दुश्मनी के चर्चे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी खूब हो रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के मुद्दे पर पाकिस्तान की आवाम की अलग अलग राय है। कोई सलमान भाई का फैन है तो कोई लॉरेंस को खुलकर सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के अलग अलग यूट्यूब चैनल्स और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पाकिस्तान का एक शख्स लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देते हुए कहता है कि लॉरेंस तूने बड़ी गलती की है, बाबा सिद्दीकी को जन्नत मिली पर तूने मुंबई के सोए हुए शेरों को जगा दिया। जबकि एक दूसरे शख्स ने कहा सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि गलती हुई है, फिर सब ठीक हो जाएगा। एक और शख्स बोला सलमान माफी मांग लेते हैं तो शायद हिंदुस्तान की आवाम में उनकी इज्जत और बढ़ जाए। बता दें कि साल 1998 में सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था। इसके बाद उन पर भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की धारा के तहत आरोप लगाए गए। साल 2018 में जोधपुर कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। इसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से लगातार सलमान खान को माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है और ऐसा ना करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बता दें कि 12 अक्टूबर को सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई ले ली थी।